हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय टू। फंक्शन है हमारा पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक्स को पाई बाय टू से अप्रोच करवाऊँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। एक्स को मैं यहाँ पर पाई बाय टू से अप्रोच करवाऊँ तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू और टेन पाई बाय टू। ओके, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू ये हो गया ज़ीरो, इंटू टेन पाई बाय टू क्या हो गया, इन्फिनिटी, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, तो देखिए इसको, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर पाई बाय टू माइनस एक्स है इसको मैं कुछ और पुट कर लेता हूँ, इसको टी पुट कर लेता हूँ। ओके, पुट जो पाई बाय टू माइनस एक्स है इसको मैं टी पुट कर लेता हूँ। ओके, व्हेन अगर यहाँ पर एक्स हमारा पाई बाय टू को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, तो टी किसको अप्रोच करेगा, टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। यहाँ पर आप एक्स एक्स की वैल्यू पाई बाय टू रखेंगे, हम ये एक्स की वैल्यू पाई बाय टू यहाँ पर रखेंगे तो टी की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो। ओके, तो टी किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो ये वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, लिमिट टी टेंड टू ज़ीरो, और इसकी जगह हमें क्या रखना है, टी इंटू टेन, और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इस फंक्शन से। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल ये होगी। देखिए इस पाई बाय टू को इस साइड लेकर आएंगे तो ये पाई बाय टू और माइनस टी। ओके, क्योंकि हम इस पाई बाय टू को इस साइड लेकर आएंगे ये माइनस का होगा, फिर ये यहाँ पर माइनस है वो दोनों साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का टी हो जाएगा और पाई बाय टू प्लस का हो जाएगा। ये हमारी एक्स की वैल्यू, तो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं पाई बाय टू माइनस टी। ओके, अगर अभी भी हम टी को जीरो से अप्रोच करवाएं तो अभी भी ये फॉर्म तो यही बनेगी, लेकिन हमने फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी मैं टेन को साइन और कोस में चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखिए लिमिट टी टेन टू ज़ीरो, टेन को मैं किस में, साइन में और कोस में चेंज कर लेता हूँ। टेन क्या होता है, साइन पाई बाय टू टी, और नीचे कोस पाई बाय टू माइनस टी। ओके, अभी यहाँ पर मैं दो आइडेंटिटी यूज करूँगा जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए साइन एक्स किसके इक्वल, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स के, और कोस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन पाई बाय टू माइनस एक्स के। ओके, तो ऊपर हमारे पास क्या है, साइन पाई बाय टू माइनस टी, तो यहाँ पर ऊपर ये फॉर्मूला सेकंड यूज़ करेंगे, साइन पाई बाय टू एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह हमारे पास क्या है, टी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड टू ज़ीरो, ये हो जाएगा टी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, इसकी जगह कोस आ जाएगा, कोस टी। ओके, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस पाई बाय टू माइनस टी, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स किस जगह, टी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी। ओके, अभी मैं इसको देखें, इसको साइन को मल्टीप्लाई करूँगा टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड करूँगा। ओके, इसको मैंने टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड किया है।
अभी ये टी से हमारा ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट कोस टी टी टेन टू 0 ओके डिवाइड बाय साइन टी डिवाइड बाय टी ओके। अभी हम देखें यहाँ पर एक लिमिट का केस यूज़ करूँगा, लिमिट अगर एच टेन टू 0 हो और हमें फंक्शन दिया हो एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, तो हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एफ एक्स एच टेन टू 0 और डिवाइड बाय लिमिट एच टेन टू 0 जी एक्स ओके। अभी इसी प्रकार मैं कोस टी पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा और साइन टी डिवाइड बाय टी पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा ओके। तो लिमिट टी टेन टू 0 कोस टी और डिवाइड में लिमिट टी टेन टू 0 साइन टी डिवाइड बाय टी ओके। और लिमिट का एक केस और यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 हो और हमारे पास फंक्शन हो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो ये लिमिट किसके इक्वल होती है, 1 के ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स किस गए क्या है, टी ओके। तो अभी मैं यहाँ पर टी को 0 से अप्रोच करवा देता हूँ, इस पूरे फंक्शन में टी को 0 से अप्रोच करवा देते हैं, तो ऊपर क्या बनेगा हमारा, कोस 0 और नीचे ये देखिए, नीचे ये लिमिट का केस यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्स किस गए हमारे पास क्या है, टी, तो ये किसके इक्वल है, 1 के ओके। और कोस 0 की क्या वैल्यू होती है, 1, 1/1 क्या वैल्यू आ रही है हमारी, 1, तो ये लिमिट किसके इक्वल है हमारी, 1 के। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।